नमस्कार, एनबीसी न्यूज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। आपने गुजरात चुनाव के लिए 22 उम्मीदवारों के नाम वाली 8वीं लिस्ट की जारी। दिल्ली में नरेला की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 2 लोगों की मौत, तो वहीं फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर। भारत जोड़ो की यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने रोहित वेमुला की मां से की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में 14 नवंबर को होगी मोरबी ब्रिज हादसे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा, 8 से 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद। उत्तराखंड धामी सरकार का बड़ा फैसला, 436 पुरानी और जर्जर पुलों को फिर करेंगी नया ब्रिज के रूप में तब्दील। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, स्कूलों को किया गया बंद। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में कटौती, 115 रुपए हुआ सस्ता। दुनिया के कई हिस्सों में सर्वर डाउन के बाद इंस्टाग्राम की सर्विस फिर हुई बहाल। और ब्रिटेन में एवियन फ्लू का कहर, सभी पक्षियों को घर में रखने की दी जा रही है सलाह।